लोग ना इनको कमेंट पे बताना, मैम बहुत मेहनत करती है, सच में मैं बहुत मेहनत करती हूँ। घर पे पड़ा हुआ तब क्या करूँ, मैं अकेले खा के मोटा तो हो नहीं सकती, साथ के साथ दीपक को भी तो थोड़ा सा मोटा कर दूँ ना। सो गाइस यहाँ पे हमने एक परचेज किया डिफ्यूजर, मैं लेके आया बेसिकली, रास्ते में मैं जा रहा था तो वहाँ पे हमने चार्जर लेने गए थे हम एक मोबाइल की शॉप पे, वहाँ पे उन लोगों ने लगा के रखा था। मैं पूछा यार ये कहाँ मिलेगा, तो उसने बताया, तो मैं लेके आया हूँ। तो अभी इसको कनेक्ट करते हैं, कैसे क्या सिस्टम है इसका देखते हैं। राकेश तो एक काम कर, पानी लेके आ। तो ये इसको लगा दिया है, ये बेसिकली इसमें एक ऑयल डालना पड़ता है। आ जाओ जरा देखें यहाँ पे ऑयल पड़ा है, आ जाओ। तो अभी विकास है ऑफिस में, तो मैंने कहा चल थोड़ा सा ब्लॉग में इसका सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे पड़ा होगा ऑयल शायद, मैं कन्फर्म नहीं हूँ बट होना चाहिए जरूर। नहीं है, उससे पूछना पड़ेगा यार। इसको लगा लिया है, ये ठीक है, इसको ऑन करते हैं। चला नहीं भाई, हाँ चल गया। तो ये बेसिकली यहाँ पे हो गया। अब ये हमें हल्का हल्का महक देगा। वैसे इसके अंदर जो लिक्विड डलता है ना, इसके अंदर जो लिक्विड डलता है वो दूसरा होता है, और हमने ऑयल वाला डाल दिया है, तो ये ठीक नहीं है ऑयल वाला लिक्विड डालना, इसका एक नया ले आएंगे। तो बस फाइनली ये आ गए हैं, देखिए कैसे सोए हुए हैं। ये आ गए हैं, अब थोड़ा सा खाना वाना खाएंगे, इनका आते आते 4 बज जाता है। ये देखिए इनका पैर का अवस्था देखिए आप लोगों को, नहीं देखिए देखिए आप लोगों को इसीलिए दिखा रही हूँ कि मैं कितना सफाई करती हूँ और ये कितने गंदगी डालते हैं घर पे। ये देखिए चमक रहा है, हाँ थोड़ा चमक इनका दिखा रही हूँ। एक नहीं दिखाते दिखाते क्यों नहीं दिखाते, ये देखिए इनने अच्छे पैर, और अभी बैठ बैठ के नाखून काट रहे हैं। तो मैं बोल रही हूँ मुंह से जब नाखून काट रहे हो तो पैर वाला भी काट लो। नेल कटर जबकि है, पैसे बचाने का कोई बात नहीं है नेल कटर के, नेल कटर का हो जाएगा फिर से लेना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है, ये अपने मन से बना रहे हैं। ये आए हैं, मैं बोली थोड़ा सा पैर साफ कर लो फिर थोड़ा सा उसके ऊपर, आज ही मैंने चादर चेंज किया है। नहीं घर का काम में इतना मेहनत होता है ना, फिर भी ये समझते नहीं। आप लोग ना इनको कमेंट पे बताना कि सर थोड़ा सा मेंटेनेंस रखो, मैम बहुत मेहनत करती है, सच में मैं बहुत मेहनत करती हूँ। चलो बोलो राम बोलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैडम हुई सुबह सुबह परेशान, अगर कभी बिगाड़ में लगे होते तो पेट टेढ़ा जाता है। हाँ ये देखो वही चीज हुआ ना, लक्कर चीर खा के निकल गया है। पहले कभी खिड़की में लगाए हैं, फिर उसमें लगाए हैं। जैसे कि झंड कर दी, पिछली बार भी यही चीज हुआ है, पम्मा भी ठीक किया है, लकी से मैं बार बार ठीक कराई हूँ, ये सारे दरवाजे में। चलो सुबह सुबह लड़ाई हो रहा है, किसके साथ लड़ाई, किसके साथ हो रहा है पता है, लक्कर वाले और पेंटर के साथ। ये लोग का ना 36 का आंकड़ा है, ये लोग चूहे बिल्ली जैसे लड़ते हैं। बस मेरी मम्मी का चाय गिर गया, इनका काम ही निराला। जो सर के लिए रेडी हो रहा है फ्रूट, कोई बोलता है कि मेरा ये काम नहीं कर देते हो, कोई बोलता वो काम नहीं कर देते हो। आपका तो कल से चल रहा है ना, कल से मैं बीमार पड़ गई फिर भी ये लोग मेरे को छोड़ नहीं रहे हैं, जिंदगी झंड कर दी, इधर लड़ रहे उधर लड़ रहे। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ क्योंकि मैं लेट हो गई। गुगू कहाँ है? लेट इसीलिए हुई कि मैं कल बीमार थी, सच में गुगू स्कूल गया, उसको स्कूल भेजी, और फिर अभी दीपक का नाश्ता रेडी कर रही हूँ, हम भी मैं भी नाश्ता करूंगी, सब नाश्ते करेंगे, अभी नाश्ता कोई किया नहीं है। तो आज ब्रेड न्यूट्रिला, मैं सोची न्यूट्रिला बहुत दिन से पड़ा हुआ है, सब बोलेंगे ये डाइट में नहीं आता है, ये अच्छा नहीं है, भाभी आप क्यों दे रहे हो। बात ये नहीं है कि देने का,
घर पे पड़ा हुआ था, क्या करूं मैं अकेले खा के मोटा तो हो नहीं सकती, साथ के साथ दीपक को भी तो थोड़ा सा मोटा कर दूं ना, आप लोग तो सपोर्ट करोगे मेरे को, अच्छी वीडियो ना। तो बस थोड़ा सा अब नाश्ता रेडी करके नाश्ता करने बैठ रही हूँ, तो ये आ गए, ये भी मेरे साथ नाश्ता करेंगे। वैसे तो इनका नाश्ता रेडी करके भेज दिया था लेकिन ये रास्ते में ही थे, तो ये भी अपना नाश्ता लेके आए हैं। अभी सारे इकट्ठे बैठ के नाश्ता करते हैं। आ जाओ, आप इतना सारा खाओगे नहीं। हेलो गाइस, कैसे हो, क्या हाल चाल है, स्वागत है आप सभी का मैडम जी के ब्लॉग में। तो मैं आ चुका हूँ घर, लाइव में एक गिलास बैठा हुआ है, तो मैंने चलो नाश्ता घर पे ही कर लेते हैं। और मैं भी कह रहा था इन लोगों को कि यार कैमरा घर पे पड़ा हुआ है मिट्टी से भरा हुआ, इसको यूज किया करो यार, आईफोन में बनाने की क्या जरूरत है, मस्त क्वालिटी है। कभी जरूरत है ना फोन में, ये जोत भाई की तरफ से आया था ना। ये मेरे सब्सक्राइबर हैं, और सब्सक्राइबर कहना गलत होगा, भाई के जैसे ही है। तो भाई के जैसा नहीं, भाई है वो, बहुत 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 अच्छा और बहुत हेल्पफुल है। तो वो जब भी मैं चंडीगढ़ जाता हूँ ना भाई, उनका कुकीज रेडी रहता है, कुकीज भर देते हैं, और एक दो डब्बे नहीं ऐसे, इतने बड़े बड़े लिफाफे। तो उनकी तरफ से ही आ जाता, कुकीज अगर खत्म होता तो मैं वैसे ही फोन कर देता उनको, पाजी मिलना सीखा। तो ये बेसिकली, लेकिन कभी आज तक हाँ जी, तो ये कैमरे पड़े हुए हैं यहाँ पे, और ये देखो पेन मुझे मिला था, ये पेन ना कोई आर्मी में है, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था तीनों, जयपुर में। तो ये बहुत शानदार पेन है, पहले हम यूज किया करते थे, मेरे को दे दो, एक मेरे को दे देना, चार है उसे। तो हीना अब आप ये इस कैमरे में शूट करोगे, ठीक है? ओके सर। तो हमारे पास चीजें पड़ी है, रिसोर्सेस पड़े हैं, तो हम क्यों नहीं यूज करें। तो यहाँ पे सारा स्टार्ट है, कैमरा क्वालिटी देख रहे हो, वीडियो बना के दिखाता हूँ कितना बढ़िया, जैसे मर्जी जूम करो। ये सोनी के, ये दोनों हमारे पास सोनी के हैं, दो कैमरे हमारे पास पड़े हैं। छोटे वाले चाहिए, छोटे वाले में ना उतना मजा आता नहीं है, फिर भी ठीक है, छोटे वाला भी ठीक है, इसमें कर सकते हैं, पर इसमें इतना मजा आता नहीं है। ये हमने जिंदगी का पहला कैमरा था मेरा, ये हमने 70,000 रुपए का लिया था, आज भी मुझे याद है, तो ब्लॉगिंग के लिए ही लिया था ये कैमरा, हमने लिया था। वैसे और भी चीजें बहुत सारी डिवाइसेस पे ली थी, उसके बाद गोप्रो लिया था, मेरे को यही वाला कैमरा सेट करके दे दो हीना को, हीना मेरे को इसी में, कोई नहीं, इसका तो बहुत अच्छी चीज है, इसका तो स्टैंडी भी हमारे पास पड़ा है, कहाँ है, स्टैंडी नहीं है इसका, बहुत शानदार, मैं 10,000 रुपए की स्टैंडी लेके आया था, नहीं है, मैं लाऊं सोनी का। अभी यहाँ पे मैं नीचे फिर से आ गई हूँ, लूअर्स वाले आए हैं, फिर से मैं जा रही हूँ जिंदगी झंड कर रही हूँ। ऐसा फोन, इसके ऊपर फैब्रिक नहीं है, फैब्रिक लगेगा पहले, यहाँ पेस्ट होगा ना ये फोन, कपड़े तो आप लाए ही नहीं, करके जाएंगे, क्यों टेंशन लेते हो। अच्छा, आप पहले बेड का कंप्लीट करोगे कि पहले बेड, प्लीज दरवाजा वालो, क्यों हो जाएगा, आपको पता है मेरे को आदत नहीं है लटकाने की, लेकिन वही चीज हो रहा है, नहीं हो रहा। मैम क्या हुआ, जिंदगी खराब, ये बुक का अभी ना मैं किसी को तो बुला रही हूँ आपको, आओ राम भी तो ऐसे देख रहे हो कि बहुत बड़ा कुछ काट हुआ है, काम बढ़ा दिया हुआ है, आपके पास सारे चीज का हल होता है, ये उठा दूं कि रख रहे हैं, सेम कलर हो जू, कलर तो सेम हो गया। तो बस फ्री हो गई हूँ, फ्रेश भी हो गई हूँ, नहा धोवा के, अब गुगु का आने का भी टाइम हो गया था, तो मैं जल्दबाजी में और कुछ बना नहीं पाई, गुगु को ले आई। आप लोग ना मुझे प्लीज सजेस्ट करो कमेंट में कि गुगु स्कूल में कभी टिफिन फिनिश नहीं करता था, ऐसा कि फिनिश तो छोड़ दो वो टच भी नहीं करता है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। उसका स्कूल में दो टिफिन देने बोला, एक फ्रूट्स का टिफिन होना चाहिए और एक लंच बॉक्स होना चाहिए, मैं रोज उसको दो टिफिन देती हूँ लेकिन वो एक भी टिफिन नहीं लेता है, या अभी उसका टिफिन घर पे ले आके उसको फिनिश करा रही हूँ, जबकि मैम बोलती है कि उसको घर पे टिफिन घर पे नहीं स्कूल में टिफिन फिनिश करना, उसका एक बूंद भी वो टच नहीं करता, मैं सच में परेशान हो गई हूँ गुगु से, और ना मार सकती हूँ कि मार के सिखाओ, या ना डांट सकती हूँ
समझता ही नहीं है, बोल के भी नहीं समझता है कि गुगु स्कूल में फिनिश करना, नहीं कुछ भी नहीं करता है ये। अभी अपने हाथ से खा रहा है लेकिन स्कूल में एक बूंद भी टच नहीं करता है। बस इसको पढ़ाने बैठी हूँ, देखिए जस्ट बैठी हूँ तो ये बुक बंद कर रहा है, ऊपर से देख रहा है। बुक खोलो, ओपन योर बुक। तो बस ज़्यादा कुछ और करूँगी नहीं, ज़्यादा कुछ व्लॉग में आगे भी नहीं बढ़ाऊँगी क्योंकि व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। देखो इसका कहानी देख रही है। यस राकेश, स्टॉप, व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। इसको पढ़ा के मैं थोड़ा सा रेस्ट करने वाली हूँ क्योंकि सर बहुत दर्द हो रहा है। तो चलो व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। राकेश आया है फ़ोन लेने, शायद एडिटिंग करने के लिए ले जाएगा। तो कल फिर से मिलेंगे एक नए व्लॉग में। तो चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग में कल। बाय बाय।